ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਰਮਿਲਾ ਮਾਤੋਂਡਕਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰੂਪਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤੋਂਡਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਰਮਿਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਰੂਪਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਭਾਗਪੂਰਨ ਖਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਰਮਿਲਾ ਮਾਤੋਂਡਕਰ ਜੀ ਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੋੜਨਾ। बड़ी मन्नतों के बाद वो कांग्रेस में आई थी, बड़ी मिन्नतों के बाद हमने उनको रिक्वेस्ट किया था और चुनाव प्रचार के बाद मैं स्वयं उनके पास गया और उनको मैंने बकायदे पुष्पगुच्छ वगैरह दे करके मैं उनको बधाई दी कि आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रचार किया है, बहुत एग्रेसिव हैं आप और आपकी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो कमाल की है और आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है, यंग हैं और ऐसे में आपका भविष्य है कांग्रेस पार्टी में और इसलिए मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था कि जो जो इंटरनल पेटी पॉलिटिक्स होती है ना उसमें आप मत पड़ना, उससे थोड़ा दूर रहना। मैं इसलिए ऑफिशियली बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बोल के आया था, उससे दूर रहना वरना ये सब चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे और थोड़ा पेशेंस रखना, सब अच्छा होगा। लेकिन आज जो बातें निकल के आई है निश्चित तौर पर ये एक सवाल है, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी वो चिट्ठी क्यों लिखी, किसने लिखी, ये दुख की बात है। आप एक 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 पर्सनल कॉन्फिडेंस के आधार पर किसी को किसी की शिकायत करते हैं, किसी की चिट्ठी लिखते हैं और उसको कोई पब्लिक कर देता है तो उससे कोई ना कोई क्षुब्ध होगा, हर व्यक्ति की नाराज़गी वाजिब है। लेकिन वो इतनी बड़ी नाराज़गी या फिर इन फाइटिंग इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए कि पार्टी छोड़ के चला जाए। मेरे खिलाफ तो धुआंधार लोग कैंपेन चलाते थे, यहाँ आते थे दिल्ली, सभी लोग उनको चाय भी पिलाते थे, मेरी शिकायत भी सुनते थे। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि इन फाइटिंग में छोड़ के जा रहा हूँ। तो अच्छा, इन फाइटिंग कहाँ नहीं है, कौन सी पार्टी में नहीं है, कौन से संगठन में नहीं है, कौन से सरकारी दफ्तर में नहीं है, कौन से प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, कोई मुझे बताए। जहाँ एक ग्रुप होता है, संगठन होता है, वहाँ पर अलग अलग वो होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, थोड़ा क्लैश करते हैं, लेकिन उन वजहों से कोई पार्टी छोड़ दे, संगठन छोड़ दे, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं उर्मिला से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, इस पेटी पॉलिटिक्स के ऊपर इतना बड़ा डिसीजन मत लो। आपका कांग्रेस पार्टी में एक बहुत सहर्ष स्वागत हुआ था, आगे भी स्वागत होगा, आपका एक अच्छा उज्जवल भविष्य कांग्रेस में है। मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस और धीरज रख के पार्टी के अंदर काम करिए। तो उधर नवा मोटर व्हीकल तो देश विच लागू हो गया है पर कुछ राज सरकारां इस विच आम लोगों की नाराजगी देखते हुए थोड़ी राहत देने बारे विचार कर रही है। खबर है कि गुजरात सरकार ने जुर्माने की रकम को घट कर दिया है। इससे हुण केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री ने सख्ती जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोटर व्हीकल सोध बिल विच कोई भी सूबा तब्दीली नहीं कर सकता। गडकरी ने कहा, मैं सूबों तो जानकारी ली है, हाले तक कोई अजिहा सूबा नहीं है जिसने क्या होवे कि इस एक्ट को लागू नहीं करांगे, कोई भी सूबा इस तो बाहर नहीं जा सकता। दसने योग्य कि गडकरी इस तो पहला भी ट्रैफिक जुर्माना वधाउण दे फैसले दा कई बार बचा कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर ते कहा कि सरकार ने ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना ते जुर्माने की रकम वधाउण दा फैसला जेब भरन लई नहीं सगो लोगों ट्रैफिक रूल फॉलो करन लई प्रेरित करन अते सड़कां नू सुरक्षित बनाउण दे मकसद नाल लिया।